नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, कुछ पैरी स्टॉक की बात कर लेते हैं। लगातार आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं और इन स्टॉक के ऊपर ही आपके क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, तो देख लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो टॉप गेनर्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देख सकते हो और साथ में अगर आप चाहो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो अपना पैरी स्टॉक या अपने स्टॉक का रिव्यू अगर आप चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक अपना व्यू शेयर कर दूंगा अगर आपको मेरा व्यू चाहिए तो, ठीक है। और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके ऐसे वीडियोस बनाऊं। और साथ में अगर आप कुछ सीखना चाहती हो तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या फिर ट्विटर के माध्यम से या फिर मेल में भी, मुझे भी आप मेल भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते पहले हमारे सबसे पहले स्टॉक के बारे में, A2Z इंफ्रा। दोबारा से स्टॉक में एक अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। लास्ट 5 दिनों में स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था और जैसा आप सभी को पता है ये स्टॉक, मैंने आपको एक बात बोल रखी है, मेरे कहने से दोस्तों मत चला करो, आप खुद की रिसर्च भी ऐड करा करो। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का पैसा डूबे और पैसा मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई होना बहुत अच्छी बात है लेकिन डूबना मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है, ठीक है। समझने का प्रयास करो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये जो स्टॉक है 4 रुपये के आसपास दिया था, ये 4 रुपये 3 रुपये 80 पैसे के आसपास अच्छा खासा पैसा बनाया, इसने नीचे गिर रहा है, दोबारा अपर सर्किट लग रहा है। क्या करें, कुछ नहीं करें दोस्तों। जिनके पास स्टॉक है होल्ड करो, जिनके पास स्टॉक नहीं है वो खुद की रिसर्च से स्टॉक को नजरों में रख सकती हो। अगर आप चाहो तो स्टॉक के 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है यही स्टॉप लॉस था, जहाँ तक मेरी मेरी आप दोस्तों थिंकिंग है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या था लेकिन यही कुछ था, ठीक है। बात करते हैं BSE में कैसे काम काज हो रहा, तो 41,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए, इसका मतलब लोग में वॉल्यूम तो है स्टॉक में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आइडिया शेयर एंड वोडाफोन आइडिया। जैसा आपको पता है लगातार कंपनी अपने रेट बढ़ाने में लगी है, जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, टैरिफ रेट आप बोल सकती हो, जैसे भारतीय एयरटेल ने भी करा था, तो अब वोडाफोन आइडिया भी उस राह की तरफ चल रहा है और उस वजह से स्टॉक में बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत ये स्टॉक न्यूज़ में दोबारा आ चुका है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को बाय करना ठीक रहेगा, तो देखो यार पर्सनली स्पीकिंग जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ यस बैंक की कंपैरिजन करोगे तो यस बैंक अच्छा है आइडिया से, आइडिया इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, बड़ा इसमें मतलब छोटा सा रिस्क ले लो, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ लेना, 9 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो अगर आप लेना चाहते हो। बाकी आज कैसा काम काज हुआ NSE में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए कि स्टॉक में आप क्या करके चल सकते हो, ठीक है। तो NSE का डेटाबेस हमने खोल दिया आप लोगों के लिए, यहाँ पर देख सकते हो 31% के आसपास की डिलीवरी आज इंट्राडे में उठाई गई है, ठीक है। 9 करोड़ क्वांटिटी प्लस लोग घर लेके गए, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक के, जिसका नाम है रतन इंडिया पावर। इसके इस स्टॉक के बारे में आप लगातार पूछते रहते हो और मैंने एक वीडियो के माध्यम से क्या मैंने हमेशा शेयर करता रहता हूँ कि नवंबर महीने का एक वीडियो अपडेट मैंने कर चुका हूँ स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक लगातार 3 रुपये 80 पैसे घूम रहा है, ठीक है, ये एक रजिस्ट्रेशन बन चुका है 4 रुपये के आसपास। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता दूरी बना के रखो और स्टॉक का एक मूविंग एवरेज है उसको फॉलो कर लो, उसके बेसिस में आप स्टॉक में बाय करके चल सकते हो। वह 19 SMA आई थिंक, अगर आपको याद है ढंग से तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे शायद 19 SMA ही है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक में सेल आया था, लगातार नीचे गिर रहा है और एक 19 नंबर का मूविंग एवरेज अप्लाई करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। देख सकते हो कि NSE में कैसा काम का स्टॉक का चल रहा है, लगातार लोग क्वांटिटी भर भर के घर लेके जा रहे हैं और यही गलती लोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। स्टॉक को तब बाय करना जब ये 19 SMA के ऊपर क्लोज कर दे, जैसे क्लोज करेगा यू कैन बाय द स्टॉक। नहीं समझ आता तो आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक का यहाँ पर हमारा सेल आया था और लगातार तब से ये स्टॉक नीचे गिर रहा है रजिस्टर लेके, ठीक है, देख सकते हो ये रहा, ठीक है, देख सकते हो ये रहा ये रहा ये रहा, जब तक एक हरी कैंडल यहाँ क्लोज नहीं करता, एक नहीं कम से कम 2 हरी कैंडल, बाय मत करना स्टॉक को, ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जाएगा। 2 हरी कैंडल कर दिया क्लोज, यू कैन बाय द स्टॉक, ठीक है, देख सकते हो ये रहा। और ये SMA आपका देख सकते हो ये रहा 19 मूविंग एवरेज, जिसकी मैं बात कर रहा था, समझ आ गया। ये हमारा एक स्टॉक है अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले 3 4 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था हमने और आपको सजेस्ट किया था मैंने कि स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो, और लकीली स्टॉक आज आपका सस्पेंड हो चुका है। कैसे हुआ है उसका रीजन आपको मैं बता देता हूँ, और पर्सनली स्पीकिंग मैंने भी स्टॉक में पैसा डाला था यार, मेरा खुद का पैसा बर्बाद हुआ, तो इस वजह से मुझे दुखी है कि यार आप लोगों का पैसा भी शायद डूबा होगा अगर आपने इसमें पैसा डाला है। स्टॉक में अभी पैसा डूबा नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक सस्पेंड क्यों हुआ है, कंपनी का जो एनुअल फीस होती है ना ALF2 एनुअल मेंटेनेंस फीस कुछ हो जाती है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी
जो साल भर की जो फीस होती है, एनुअल फीस होती है, जिसको बीएससी को देना पड़ता है, ये दी नहीं है। तो जैसे ही पेमेंट करेगा, ये स्टॉक दोबारा से आपका लाइव हो जाएगा मार्केट में। अब देखो ये कब पेमेंट करती है, और लकीली इस स्टॉक में मैंने ही पैसा डाला था, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बतलाता हूँ उसमें मनी मैनेजमेंट पक्का फॉलो किया करो, वही आपको मदद कर सकता है इन चीज़ों से बचने से, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बोलता हूँ कि पैनी स्टॉक में रिस्क तो होता ही है, लेकिन ये स्टॉक अभी सस्पेंड नहीं हुआ पूरी तरीके से। एएलएफ का मतलब सच मान लेना, आपको मिल जाएगा, अभी ये दोबारा लाइव आ सकता है। अब वो कब आएगा ये डिपेंड करता है, ये स्टॉक की कंपनी जो भी है ये कब अपनी पेमेंट देती है उधर। वैसे स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर पेमेंट कर देगी तो स्टॉक दोबारा लाइव आ जाएगा, और लाइव आते ही स्टॉक में दोबारा आपका लोअर सर्किट लगेगा, इतना मैं बता रहा हूँ। और लोअर सर्किट लगते ही स्टॉक दोबारा से नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो स्टॉक को बाय करके चलना, जो वीडियो बताया स्टॉप लॉस उसको पक्का फॉलो कर लेना। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मत सेल करना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आप देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड में द्वार से 5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिलती है। न्यूज का पता कर लेते हैं कि क्या चल रही है, तो न्यूज तो अभी स्टॉक पे कुछ नहीं है। और अगर आपके पास स्टॉक है, जैसे मेरे पास स्टॉक पर्सनली है, तो आप स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, दिक्कत नहीं है। अगर 30 रुपये आता है स्टॉक, 30 रुपये एक्युमुलेट करना, ठीक है, 27 आता है एक्युमुलेट करना, बिना स्टॉप लॉस 21 रुपये। लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस 21 रुपये का टारगेट 100 रुपये के कम से कम है, जिसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके छोटे भाई के बारे में, IRFC कंपनी का जो डिविडेंड है आपके अकाउंट में आ चुका होगा, आप चेकआउट करो, मेरे अकाउंट में तो आ चुका है इसका डिविडेंड का पैसा, और वो 70 पैसे के आसपास आया है, ठीक है। मतलब 70 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था, तो मल्टीप्लाई कर लो योर क्वांटिटी। तो जिसको नहीं आया वो IRFC वालों को मेल डाल के बोल सकता है कि भाई मेरा डिविडेंड क्यों नहीं आया, मेरा तो आ गया भाई, आज ही आया। तो यही अपडेट IRFC शेयर में निकल के आता है, और ये स्टॉक भी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, बिलो 21 इट्स योर स्टॉप लॉस पॉइंट, राइट। एंड दोस्तों ये जो स्टॉक है SKPBR, स्टॉक में ट्रेडिंग हो पा रही है। एंड मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, स्टॉक में दूरी बना के रखो, स्टॉक को बाय मत करना, ठीक है। ये पैटर्न होता है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, और एक छोटा मोटा यहाँ पर जो ये आती है ना बाइंग आती है, ठीक है, इस बाइंग में आपको फंसाया जाता है। तो ये स्टॉक जो नए फ्रेश बाय करना चाहते हैं स्टॉक को, SKPBR को मत करना, ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आना चाहिए, जो मेरी रिसर्च कहती है। और वैसे भी स्टॉक हमने 1 रुपये 60 पैसे में बाय किया था, क्वालिटी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में अभी बैठे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पैसा इसने हमारा मल्टीप्लाई किया है। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की, जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री। एंड ये स्टॉक भी हमारा पैसा काफ़ी अच्छा मल्टीप्लाई करने में लगा है, लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है, और आज तो इंटरडे में हद हो गई, क्या वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिला है। इंटरडे में जो वॉल्यूम आया स्टॉक में वो लाजवाब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक तरीका होता है स्टॉक में ऊपर लेके जाने का, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। आप यहाँ देख सकते हो सिंटेक्स इंडस्ट्री में एक अच्छा इंडस्ट्री में अच्छा खासा वॉल्यूम तो नहीं, अच्छा वो सिंटेक्स प्लास्टिक है यार, सॉरी वो सिंटेक्स प्लास्टिक है, ठीक है, SPTL में आया वॉल्यूम, देख सकते हैं एरा, एक सेकंड यार, देख सकते हो एरा, हाँ सिंटेक्स इंडस्ट्री में BSE में काम हो रहा है। एंड BSE में वॉल्यूम देखो 50 लाख के आसपास का वॉल्यूम आया, 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है सिंटेक्स प्लास्टिक में, ठीक है, सिंटेक्स इंडस्ट्री में। दोनों स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, देख सकते हो ये रहा, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, ये रहा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो क्या बताया था, ये जब भी होता है समझ जाओ यहाँ पर अपना जो सेलर है वो माल बेच रहा है, सेलर का मतलब कौन, जो बड़ा प्लेयर है वो माल बेच रहा है, ठीक है। तो ये 3 कैंडल बन चुकी है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये स्टॉक देखो वॉल्यूम देखो कितना कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम देखो और इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, अब इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, लगातार कम हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हो कि एक बंदे जो बड़ा व्यक्ति था उसने पहले माल यहाँ बेचा, ठीक है, फिर यहाँ बेचा, फिर अब यहाँ बेचा। तो आपको क्या करना है, यहाँ बाय नहीं करना है, बाय मत कर लेना भूल गए भी, बाय का तो यहाँ करना था जो आपको रिकमेंड किया था। यहाँ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो, ठीक है, 100% का नहीं, 150% का रिटर्न आ रहा है मुझे ख्याल से, मुझे तो 150 का आ रहा है भाई, आप अपना नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो आपको कितना आ रहा है, राइट। फाइनल स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल, कंपनी के Q2 अर्निंग्स आने थे, अभी तक कंपनी ने Q2 अर्निंग्स रिवील नहीं करे, पता नहीं को इतना लेट क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही आते हैं आपको मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर बात करते हैं आज कैसा काम काज हुआ, तो देखो ये स्टॉक पे डिमांड हमेशा रहती है, 61% की आपकी डिलीवरी उठाई जा रही है, ठीक है, 12 लाख क्वांटिटी आज भी लोग इंटरडे में घर लेके गए, तो समझ सकते हो कि स्टॉक की डिमांड कितनी ज्यादा है। और मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास स्टॉक है तो विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपी यू कैन होल्ड द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बाकी स्विंग पोजिशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, कुछ स्टॉक्स है जिनके बारे में आप लगातार पूछते रहते हो, मुझे लगा चलिए एक वीडियो बना के आपके अपडेट कर दूँ। नीचे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, और साथ में कमेंट करो कि किस स्टॉक के ऊपर वीडियो अगला चाहिए, जैसे कि कुछ पैनी स्टॉक्स हो, कुछ लार्ज के हो, स्मॉल के हो, अगर आप चाहते हो उसका रिव्यू मैं नीचे कॉमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा अगले वीडियो में, ऐड कर दूंगा उस सभी को, ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।